मृगी भाई स्वागत है आपका। नैनीताल के घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस मौके पर पूर्व छात्र एसोसिएशन की तरफ से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर श्यामखेत क्षेत्र में लगाया गया, जहां डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। ये सभी डॉक्टर सैनिक स्कूल से पास आउट है। इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन जिलाधिकारी दीपक रावत ने किया। मेडिकल कैंप में पूर्व छात्र डॉक्टरों की तरफ से स्थानीय लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप दिया गया और साथ ही उन्हें जरूरी दवाएं भी निःशुल्क दी गई। शिविर के दौरान रक्तदान भी किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा पूर्व छात्रों ने ब्लड डोनेट किया। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जो श्यामखेत में भी हो रहा है और स्कूल प्रीमाइसेस में भी हो रहा है। और इसमें बड़े हर्ष की बात यह है कि लगभग 40 एक्स स्टूडेंट्स जो आज की तारीख में डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी सामग्री इक्विपमेंट और दवाइयों के साथ आए हुए हैं। और यहाँ पे पूरे दिन स्वास्थ्य परीक्षण होगा। इसमें हार्ट का भी है, लंग्स का भी है और मधुमेह का भी है, सभी तरह के परीक्षण होंगे। ये स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है हमारे विद्यालय का, और जो हमारे ओल्ड बॉयज हैं और उसमें से डॉक्टर्स हैं स्पेशली, वो लोग आए हैं दूर दूर से यहाँ पे मेडिकल कैंप करने के लिए, जिससे आसपास के गांव में जो आउटरीच प्रोग्राम होता है, जिससे कि हम क्या दे सकते हैं यहाँ की सोसाइटी को, उसके लिए हम ये मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं। इसके अलावा एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, जिसमें करीब 100 लोग जो हैं वो अपना रक्तदान करेंगे। हम स्कूल की चार दीवारी के अंदर तो रह के कार्य करते ही हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम एक स्कूल, एक जो हमारा स्कूल का परिवार है, सैनिक स्कूल का परिवार, वो अपने दायरों से बाहर निकले और उस सोसाइटी की, उस समाज की सेवा करे जो कि हमारे आसपास में बसता है। अपने स्कूल से जो पाया, जो सीखा, हम चाहते हैं कि आसपास, हमने यहाँ 7-8 अपने जिंदगी के जो साल गुजारे हैं, तो हम आसपास के लोगों को, गांव वालों को, 3-4 गांव हम कवर कर रहे हैं कि उनको जितने नॉर्मल बीमारियां, कईयों को अवेयरनेस नहीं होती, जैसे इस कैंप में अभी हमें पता लगा कि सांस की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की बहुत मरीज निकले हैं, तो जिनको हम दवाएं भी दे रहे हैं उनको रेफर कर रहे हैं। देश के जिन 9 छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की।